Hey, hello and welcome to Physics Solutions YouTube channel. Hope you all are having a good day. आज का टॉपिक है क्लैंपर सर्किट. आज हम देखेंगे कि क्लैंपर सर्किट कैसे वर्क करता है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लैंपर सर्किट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें ईजिली कैसे सोल्व करें, ये भी हम देखेंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. क्लैंपर सर्किट का काम होता है हमारा किसी भी इनपुट वेव को शिफ्ट करना अबव और बिलो द रेफरेंस पॉइंट. और क्लैंपर सर्किट को हम डीसी इंसर्टर के नाम से और जानते हैं, और एक और नाम होता है इसका डीसी शिफ्टर, या फिर कभी कभी यूज करते हैं डीसी रिस्टोरर. तो इन तीनों में से कोई भी नाम अगर यूज किए हुए हैं क्वेश्चन में, तो समझ लेना वो सर्किट हमारा वर्क कर रहा है एज अ क्लैंपर सर्किट. ओके, तो अब आता है कि हमारा क्लैंपर सर्किट किन कंपोनेंट्स को यूज़ करके बना होता है. तो कंपोनेंट्स यूज होते हैं हमारे क्लैंपर में एक डायोड, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर. तो इन तीनों कंपोनेंट्स को यूज़ करके हमारा क्लैंपर सर्किट बनता है. मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्लैंपर सर्किट है और यहाँ पे हमारी एक इनपुट वेव है कुछ इस फॉर्म की, ये वाला है हमारा एस कुछ और ये हमारा माइनस एस. तो यहाँ पे ये क्लैंपर सर्किट क्या काम करेगा, इस इनपुट वेव को या तो इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा, है ना, या फिर इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा. ओके, तो जब भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो तो उसको हम बोलते हैं अपना पॉजिटिव क्लैंपर, और जब भी आउटपुट हमारी रेफरेंस पॉइंट के नीचे की तरफ शिफ्ट हो तो उसको हम बोलते हैं अपना नेगेटिव क्लैंपर. और हमेशा ये चीज़ याद रखना कि हमारे क्लैंपर सर्किट का काम होता है सिर्फ वेव को शिफ्ट करना. तो यहाँ से हमारी जो पीक टू पीक वोल्टेज रहेगी इनपुट वेव की, तो हमारे आउटपुट वोल्टेज की भी पीक टू पीक वोल्टेज सेम रहेगी. यानी कि यहाँ पर अगर 2S है पीक टू पीक वोल्टेज, तो इन दोनों वेव के लिए भी हमारी पीक टू पीक वोल्टेज 2S ही होनी चाहिए. ठीक है, अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट आर द स्टेप्स टू एनालाइज द क्लैंपिंग सर्किट, कि हम क्लैंपर सर्किट को कैसे एनालाइज करेंगे कि वो एक पॉजिटिव क्लैंपर है या फिर एक नेगेटिव क्लैंपर है, और वो अगर एक पॉजिटिव क्लैंपर है तो कितने अमाउंट से शिफ्ट हो रहा है, और अगर वो एक नेगेटिव क्लैंपर है तो नेगेटिव साइड में रेफरेंस पॉइंट से वो कितना शिफ्ट हो रहा है. तो इसके लिए बहुत ही ईजी से स्टेप्स हैं, वो मैं अभी बता देता हूँ. तो एक रैंडम क्लैंपर सर्किट की जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी एक, यहाँ पे हमारी इनपुट वेव होती है ओके, और यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर होता है और एक डायोड होता है यहाँ पे हमारा पैरेलल में, और यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस होती है, और इसके अक्रॉस हम अपनी वी आउटपुट ड्रॉ करते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस. ये हमारी कैपेसिटर है और एक डायोड है. ये डायोड अपोजिट भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. तो यहाँ पे हमारी वी इनपुट कुछ भी हो तो उसके लिए वी आउटपुट हमारी क्या होगी. तो इन टाइप के सर्किट को हम सोल्व कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आइए वो देखते हैं. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी कंसीडर दैट पार्ट ऑफ द इनपुट वेव विच मेक्स द डायोड फॉरवर्ड बायस. यानी कि वी इनपुट का हम पहले वो वाला पार्ट कंसीडर करेंगे जो कि इस डायोड को फॉरवर्ड बायस बनाता है. इस वी इनपुट में हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल भी, तो किस पार्ट ऑफ साइकिल के लिए हमारा ये डायोड ऑन हो रहा है तो पहले उसे कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फाइंड दी आउटपुट वोल्टेज.
उस वीन को यूज़ करके जिसके लिए ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है उसके लिए हम अपनी वी आउटपुट निकालेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नाउ कंसीडर द अदर पार्ट ऑफ वी इनपुट एंड फाइंड वी आउटपुट फॉर दैट। यानी कि मान के चलें कि ये वाला डायोड अगर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऑन था तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को यूज़ करके हमें वी आउटपुट निकालनी है, ठीक है, और फिर अदर हाफ यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल को भी यूज़ करना है और उसके लिए फिर हमें अपनी वी आउटपुट निकालनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला डायोड हमारा हर बार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही फॉरवर्ड बायस हो, जिस पार्ट के लिए भी हमारा ये फॉरवर्ड बायस होगा डायोड उसी को यूज़ करना है पहले। और लास्ट स्टेप क्या कह रहा है कि कीप और मेंटेन the polarity of capacitor constant throughout the analysis। तो ये बहुत important point है जो कि कह रहा है कि इनिशियली जब हमारा डायोड जिस भी पोलैरिटी के लिए ऑन होगा उसको यूज़ करके जो भी इस कैपेसिटर की पोलैरिटी आएगी वो हमें थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टेंट रखनी है। आइए इन चारों स्टेप को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है जिसमें एक कैपेसिटर गिवन है, एक डायोड गिवन है, और यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट की, और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक इनपुट सप्लाई गिवन है जिसकी फॉर्म है इस टाइप की। तो हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड द वी आउटपुट वेव फॉर्म, यानी कि इस सर्किट के लिए हमारी वी आउटपुट क्या होगी और इसकी वेव फॉर्म कैसी होगी। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें पता है चार स्टेप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डायोड किस पार्ट ऑफ वेव फॉर्म के लिए फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये डायोड का पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट पे पोटेंशियल कितना है, माइनस टेन वोल्ट। तो इस पॉजिटिव पार्ट पे जब भी -10 से ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी कि ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना। फर्स्ट कंसीडर क्या करेंगे हम, पॉजिटिव हाफ साइकिल जिसके लिए डायोड हमारा ऑन होगा। ऑन का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट। ओके, तो हमारे सर्किट की फॉर्म कैसी बन जाएगी, सर्किट की फॉर्म बन जाएगी एक यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइकिल है वी इनपुट की, है ना, और ये कैपेसिटर के बाद यहाँ पे हमारा डायोड कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई और यहाँ पे हमारी एक लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस बैटरी की वैल्यू हमारी 10 वोल्ट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे इस कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव पहले आएगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव पोलैरिटी। मान के चलते हैं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमारी पोटेंशियल है कुछ VC, ठीक है, और हमारी वी इनपुट हमारी कितनी लेके चल रहे हैं हम, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारी 20। इस लूप के लिए हम अपना KVL अप्लाई कर देंगे जो कि हमें देगा, यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं -20 वोल्ट, और यहाँ पे क्या पोलैरिटी है, पॉजिटिव VC, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो -10 वोल्ट = 0। तो ये क्या देगा हमें, VC = -10 - 20, वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा हमारा 30 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें हमारा VC मिल चुका है जो कि हमारा 30 वोल्ट। और सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, कि हमें वी आउटपुट फाइंड करना है। तो आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। तो इस पार्ट के लिए हमारी आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी वोल्टेज है कितनी, -10, तो ये पैरेलल में कितनी हो जाएगी, सेम वी आउटपुट हो जाएगी हमारी -10 वोल्ट। सही है, इजी है। तो हमारी वी आउट आ चुकी है -10 वोल्ट फर्स्ट पार्ट के लिए। अब क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। बची हुई साइकिल कौन सी है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड क्या हो जाएगा,
रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का मतलब क्या है, ओपन सर्किट है ना, तो इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या देगा, ये हमारा कैपेसिटर हो गया और ये हमारा ओपन सर्किट और यहाँ पे हमारी पोटेंशियल 10 वोल्ट की और यहाँ पे हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे हमारी लोड रेजिस्टेंस, तो इतना करने के बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या कह रहा था, कीप और मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट थ्रू आउट द एनालिसिस, यानी कि हमारे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारी पोलैरिटी क्या आई थी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो इस बार भी हम अपने कैपेसिटर की पोलैरिटी सेम रखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे वोल्टेज है हमारी VC इक्वल टू 30 वोल्ट, ठीक है। और अब हमारा V इनपुट कितना है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, -25, तो इसको पुट कर देंगे, ठीक है। और अब इस लूप के लिए हम अपना KVL अप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा -V इनपुट प्लस VC और यहाँ पे प्लस V आउटपुट, ठीक है, इक्वल टू 0। बस इतना ही लूप है हमारा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, इसे सॉल्व कर देंगे तो V इनपुट कितना है हमारा, -25, तो -25, VC कितना है हमारा 30, और ये कितना हो गया V आउट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -- प्लस 30 प्लस 25 कितना हो जाएगा 55 प्लस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो V आउटपुट कितना आ चुका है हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, -55 वोल्ट। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा V आउटपुट कितना आया था, -10, तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यूज़ करके अपना V आउटपुट ड्रॉ कर देंगे। हमारी V इनपुट थी क्या, यहाँ पे 20 वोल्ट और यहाँ पे -25 वोल्ट, 20 वोल्ट और यहाँ पे -25 वोल्ट, और हमारी V आउटपुट क्या बन जाएगी, अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारी V आउटपुट थी -10 वोल्ट, तो -10 कहाँ पे, कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे से स्टार्ट होएगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारी V आउटपुट कितनी है, -55 वोल्ट। तो हमारी स्क्वायर वेव कैसी बन जाएगी, फिर से पॉजिटिव और ये फिर से नेगेटिव, ऐसे टाइम के साथ ऑसिलेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वेव फॉर्म ऑफ V आउटपुट, सही है। तो एक बात नोटिस करने वाली क्या है, कि हमारी पीक टू पीक वोल्टेज कभी भी क्लैंपर सर्किट में चेंज नहीं होती, बस ये रेफरेंस पॉइंट से हमारा वेवफॉर्म शिफ्ट होता है, ठीक है। तो शिफ्ट तो हो गया है, और पीक टू पीक वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है हमारी, 20 वोल्ट -25 वोल्ट, कितना हो जाएगा 45 वोल्ट। ऐसे यहाँ पे हमारी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है वी आउटपुट के लिए, -10 वोल्ट माइनस ऑफ -55 वोल्ट, जो कि हमें देगा -10 प्लस 55 इक्वल टू 45 वोल्ट, करेक्ट है। यानी कि हमारी पीक टू पीक वोल्टेज चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे हम अपनी वी आउटपुट चेक भी कर सकते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है बीच में, तो उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई डाउट बच भी गया होगा तो वो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, एक कैपेसिटेंस है, एक डायोड है और एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और यहाँ पे इनपुट वेव गिवन है हमारी इस फॉर्म की, और हमसे पूछा हुआ है फॉर गिवन V इनपुट वेव फाइंड आउट द V आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक है। तो हमें पता लग रहा है, ठीक है, तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, तो जैसा कि हमें पता लग रहा है कि एक कैपेसिटर है, एक डायोड है और एक रेजिस्टेंस है, तो ये सर्किट एक क्लैंपर सर्किट का है, ठीक है। तो इसे क्लैंपर के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर देंगे।
तो क्लैंपर को सोल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कि ये वाला डायोड किस पार्ट ऑफ वेव के लिए फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव पार्ट पे वोल्टेज कितनी है, वीपी पे 10 वोल्ट, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट पे जब भी वोल्टेज हमारी 10 वोल्ट से कम होगी तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट पे हमारी जा रही है वी इनपुट, तो वी इनपुट जब भी 10 वोल्ट से कम होगी तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। 10 वोल्ट से कम मतलब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा कब, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो हम कंसिडर करेंगे पहले अपना नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि इसी पार्ट में हमारा डायोड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो हम डायोड को एक शॉर्ट सर्किट लाइन से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, अब एक कैपेसिटर और एक शॉर्ट सर्किट लाइन, और यहाँ पे बैटरी हमारी 10 वोल्ट की, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हुआ था, तो यहाँ पे हमारी वी इनपुट कितनी हो जाएगी, -20। नेगेटिव हाफ साइकिल है हमारी, और यहाँ पे हमारी लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमारी वी आउटपुट मेजर कर रहे हैं हम, ओके। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारी पोलैरिटी क्या बन जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और अब सेम इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम अपनी पोटेंशियल मान लेते हैं VC, और अब इस लूप के लिए हम अपना KVL अप्लाई कर देंगे जो कि हमें देगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -VIN और फिर से -VC और यहाँ पे +10 वोल्ट इक्वल टू 0, ओके। वी इनपुट कितनी हमारी, -20, -VC +10 इक्वल टू 0, तो हमारी VC कितनी बन जाएगी, +20 +10 30, तो ये आ जाएगी हमारी VC इक्वल टू 30 वोल्ट। इसको हम पुट कर देंगे कितना, 30 वोल्ट। और सेकंड स्टेप क्या था हमारा, कि इस सेम पोलैरिटी के लिए हमें अपनी V आउटपुट फाइंड करनी है, तो V आउटपुट कितनी हो जाएगी, V आउटपुट होगी हमारी R के अक्रॉस वही जो कि हमारी इसके अक्रॉस होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है क्योंकि। तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल कितनी है, +10 वोल्ट, तो हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वी आउटपुट कितनी बन जाएगी, +10 वोल्ट, ओके। तो अब सेकेंड हाफ साइकिल कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव हो चुकी है तो सेकेंड है हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ओके, यानी कि हमारा ओपन सर्किट। तो हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर है और ये डायोड हमारा ओपन सर्किट, और हमारा पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ पे हमारी लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम अपना वी आउटपुट मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, वी इनपुट, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारी वी इनपुट कितनी है, 10 वोल्ट, तो अब हमारा वी इनपुट कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, कि हमें हमारी पोलैरिटी कॉन्स्टेंट रखनी है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो हमारी पोलैरिटी सेम हो जाएगी ये, और हमारा VC कितना आया था लास्ट पार्ट में, 30 वोल्ट, तो यहाँ पे हम अपना VC पुट कर देंगे 30 वोल्ट, ओके, इजी है। बस जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर देंगे तो काफ़ी इजी है ये। तो इस लूप के लिए हम अपना KVL अप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -V इनपुट सेम -VC और यहाँ पे +V आउटपुट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा V आउटपुट कितना आ चुका है, VIN +VC जो कि हो जाएगा, VIN कितना है, 10 वोल्ट, और VC कितना है, 30 वोल्ट। तो हमारा V आउटपुट कितना हो जाएगा, 30 + 10 = 40 वोल्ट।
नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कितना आया था? 10 वोल्ट। तो इन दोनों को नेगेटिव और पॉजिटिव को हम ड्रॉ कर देंगे अपना वी आउटपुट में, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये हमारी रेफरेंस पॉइंट 0। तो वी आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा है पॉजिटिव 40 वोल्ट और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा है 10 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा ऑसिलेट कहाँ से कहाँ होएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, तो हमारी वी इनपुट और वी आउटपुट को हम एक बार और ड्रॉ कर देते हैं, जो कि हो जाएगी हमारी वी इनपुट है हमारी 10 वोल्ट से लेके -20 वोल्ट, यहाँ पे है 10 वोल्ट और यहाँ पे -20 वोल्ट, और हमारी वी आउटपुट कितनी है? 40 से लेके 10 वोल्ट तक। तो यहाँ पे भी हम हमारा पीक टू पीक वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो यहाँ पे वी इनपुट के लिए हमारी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है? 10 -20 जो कि है 30 वोल्ट, और यहाँ पे वी आउटपुट के लिए हमारी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है? 40 -10 -30 वोल्ट, यानी कि हमारी पीक टू पीक दोनों के लिए सेम आ रही है। तो ये है एक पॉजिटिव शिफ्ट, तो इसको हम बोलेंगे अपना पॉजिटिव क्लैंपर विद द शिफ्ट ऑफ कितना? हमेशा जो शिफ्ट आएगी वो उतनी आएगी जितना इस कैपेसिटर में लोड होती है। तो VC हमारी 30 वोल्ट, तो हमारी शिफ्ट कितनी आई है? 30 वोल्ट की। ओके, तो ये था हमारा क्लैंपर सर्किट। तो इसे सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड वे है जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो इन चारों स्टेप को यूज़ करके हम किसी भी क्लैंपर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में जो कि ऐसे ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हों उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।